ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଖସୁଆ ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1991 ମସିହାରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଠାତ୍ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଏବେ ପାଠ ପଢୁଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁନୁ? ସ୍କୁଲ କୋଉ ବର୍ଷ ଉଠିଗଲା? ହେଲେ ତୁ ଆଉ କୋଉଠି ପଢୁନୁ? ଏବେ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କେମିତି ପଢୁଛନ୍ତି? ହେଲେ ଭଟ୍ଟାରେ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍ତି? କେମିତି କେତେ ପିଲା ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କେତେ ପିଲା ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? हमारा संबलपुर जिला रेढ़ाखोल ब्लॉक चारमाल पंचायत में जो खसुआ गांव, वो गांव में 91 से प्राइमरी स्कूल चल रहा था, लेकिन सरकार का शिक्षा विभाग 2016 को स्कूल को बंद कर दिया। तो क्यों बंद कर दिया, किसी आधार पे बंद कर दिया? वो स्कूल में जो रिपोर्ट आया है बीओ से, उसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं। हमारे गवर्नमेंट का गाइडलाइन के अनुसार हमारा स्कूल जब जो स्कूल में बिलो 10 और बिलो 10 स्टूडेंट्स हैं उसको स्कूल को क्लोज करने का गवर्नमेंट ऑर्डर है। इसलिए एज मतलब 5 स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल, इसलिए स्कूल को बंद कर। तो 14 साल अंदर कितना बच्चे है गांव में, आपका द्वारा कुछ सर्वे या स्टडी हुआ था क्या? नहीं, वही तो स्टडी तो हम लोग, हमारा PRI मेंबर्स का काउंसलिंग है हमारे गाइडलाइन में। तो हमारा जो हेडमास्टर्स हैं वहाँ जो मेंबर्स हैं सब SMC मेंबर्स हैं, SMC मेंबर्स को बुला के, PTI को बुला के, हमारा जो एसोसिएशन है इसको बुला के उनको समझाना चाहिए। अरे तू अभी कौन कर जो चली आई जाने और कौन कर जो मालूम है? आओ तू एकुटिया इंति बोलु छु ना, तम गार पिला माने इंति बोलु छंदी? सब जगह बोलु छु। आ खसुआ गार 14 वर्ष भीतर थिबा पिला माने ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇ ଘରେ ଘରେ ଶ୍ରମିକ ସାଜିଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର DPC ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର କଳ୍ପନା ପଣ୍ଡାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଦାବି କରନ୍ତୁ କି ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଏହି ଖସୁଆ ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁନଃପ୍ରଚାର କରିବେ। ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ହେଉଛି 9438385056। ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଣ ପାଇଁ।